हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं किंग इनफील यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बाहर बारिश का मौसम है, दो दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और इसी बाइक से मैं डेली कम्यूटिंग करता हूँ, तो ये गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है और आज मैं इसको धोने वाला था। तो बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बोले थे भाई ओनली वाटर से धोने पर इसके अंदर जो है वाटर मार्क्स आ जा रहे हैं, किस तरीके से धोए कि वाटर मार्क्स ना आए और पूरा प्रोसीजर बता दीजिए कैसे आप अपने बाइक को धोते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से मैं अपने बाइक को धोता हूं, कहां पे शैम्पू मारनी चाहिए, कहां पे शैम्पू नहीं मारनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और एंड में आप लोग को एक प्रोडक्ट में बताऊंगा जिससे कि आप अपने बाइक में यूज़ करेंगे तो ये जो मानसून के मौसम में रॉयल इनफील्ड के बाइक्स में रस्टिंग की इशू आती है वो इशू नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, पूरी वीडियो को देखो, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो में, लाइक कर दो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बाइक को धोने से पहले बाइक की कंडीशन देख लो। तो बाइक पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है और बाइक को अभी धोएंगे, और धोने से पहले गाइस मैं आप लोग को एक बार पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि गाइस मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि इसका जो टैंक है सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसका टैंक का जो कलर है बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, टैंक हो गया, ये हेडलाइट का जो ये कवर होता है, वाइज़र जो भी बोल लो इसको, ये हो गया मडगार्ड हो गया। ठीक है, और ये पीछे के मडगार्ड हो गए, साथ में ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, EFI कवर और पीछे जो टूल बॉक्स होता है, ये मतलब ये जितने भी मैट के सेंसिटिव पार्ट है इस पर आप लोग को शैम्पू नहीं मारना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियो में बता दिया है। और हाँ, शैम्पू मार सकते हैं आप, शैम्पू मारने की कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे मेरी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी होती, मेरे टैंक पे कीचड़ पड़े होते तो मैं इसके ऊपर शैम्पू मारता। ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर शैम्पू मारने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपकी बाइक नॉर्मल गंदा हो ऊपर से तो इसके ऊपर शैम्पू नहीं मारना है। शैम्पू आपको कहाँ पे मारना है यह मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने आप लोग को वीडियो में बताया कि शैम्पू आप मार सकते हैं रफ़ पार्ट पे, जैसे कि इंजन के पार्ट हो गए, इस पर आप मतलब हाथ लगाओगे तो आपको रफनेस महसूस होगी, इस पर आप शैम्पू मार सकते हो। उसके बाद टायर्स के जो अलॉयज है उसके ऊपर आप शैम्पू मार सकते हो, ये सारे पार्ट पे आप शैम्पू मार सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस इधर आप पूरा शैम्पू मार सकते हो, नीचे में इंजन के पास पूरा शैम्पू मार सकते हो, तो ये सारे पार्ट पे आप शैम्पू मार सकते हो, लेकिन जो सेंसिटिव पार्ट मैंने पहले बताया उसके ऊपर आप शैम्पू मत मारना। साइलेंसर पे भी आप शैम्पू मार सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो गाइस बहुत सारे भाई ये कमेंट कर रहे थे कि ओनली वाटर से धोने पे जब पानी सूख जाता है तो वाटर मार्क्स आ जाते हैं, तो किस तरीके से धोए कि वाटर मार्क्स ना आए। आप देख सकते हैं कि मेरे ये मडगार्ड पे वाटर मार्क्स आए हुए हैं, जबकि ये वाला जो वाटर मार्क्स है ये बारिश के पानी का है, क्योंकि मैं अपने बाइक को इस तरीके से धोता हूँ कि मेरे बाइक में वाटर मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो पूरी टिप मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले इस बाइक को धोते हैं, और जैसा कि मैंने आप लोग को समझाया जहाँ जहाँ शैम्पू मार सकते हैं वहाँ वहाँ शैम्पू हम लोग पहले मार के जो कीचड़ लगी हुई है उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वाटर पाइप है, यहाँ पे नल लगा हुआ है, इसी से मैं धोऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा मेरा एक स्टूडियो समझ लो इसको, इसी पे मैं अपनी बाइक को रखता हूँ, ये गैरेज है मेरा मेरे घर का, तो इसी पे मैं अपने सारे वीडियो शूट करता हूँ और बाइक की जो भी क्रियाक्रम होता है मैं इधर ही करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख लो मेरे पास एक कॉटन का कपड़ा है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं शैम्पू डालूंगा, शैम्पू डाल करके जो जहाँ जहाँ मैंने बताया जहाँ जहाँ शैम्पू यूज़ करना वहाँ वहाँ शैम्पू से साफ कर लेंगे। ठीक है गाइस, आप शैम्पू थोड़ा यहाँ भी मार सकते हो नीचे में, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे गंदी हो जाती है टायर से जो पानी उछल के लगती है इसके ऊपर, तो ये गंदी हो जाती है, तो इस जगह पे थोड़ा नीचे से ही शैम्पू मार सकते हो, ऊपर पूरा मत मारना, थोड़ा नीचे शैम्पू मार लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, तो इस पर शैम्पू मार सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऊपर नॉर्मल कपड़े से, नॉर्मल कॉटन कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हो। Thank you.
तो गाइस जहाँ जहाँ शैम्पू मारना था मैंने शैम्पू मार दिया, शैम्पू मारने के बाद मैंने पानी से धो दिया, ठीक है। तो अभी जो नीचे के पार्ट्स है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अभी क्या करना है, अभी जो ऊपर के जो सेंसिटिव पार्ट है जो मैंने बताया था, जैसे टैंक हो गया और मडगार्ड वगैरह, वहाँ पे आपको शैम्पू नहीं मारना है, ठीक है। और कैसे साफ़ करना है वह मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पानी लेना है, ठीक है, पानी चलाते हुए हाथ से साफ़ करना है, ठीक है। और अगर आपके पास माइक्रोफाइबर क्लोथ है जिसको आप भिंगा सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्लोथ है तो आप माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं कॉटन कपड़ा इस पर नहीं मारना चाह रहा, तो मैं हाथ से ही डायरेक्टली इसको पोंछ लूँगा। और गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके हाथ में रिंग्स ना हो, ठीक है। अगर आप अंगूठी पहने होंगे तो फिर वो अंगूठी यहाँ पे लग के स्क्रैच मार देगा, तो अगर हाथ में अंगूठी पहने हुए तो आप उसको निकाल देना, ठीक है। और किस तरीके से करना वो भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये पानी चलाते हुए करना है, आप देखो। हाँ तो गाइस बाइक की जो अभी क्लीनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। बाइक को मेन स्टैंड से हटा के साइड स्टैंड पर डालेंगे ताकि बाइक के जो कोने कोने पे पानी जमी हुई है वो बाइक के टिल्ट होने से निकल जाए। और उसके बाद क्या करना है गाइस, बाइक को कुछ देर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी देख सकते हैं टैंक के ऊपर बहुत सारे वाटर के बूंदे हैं। तो कुछ देर छोड़ दीजिए बाइक को, बाइक थोड़ी सूख जाएगी, उसके बाद आप कपड़े से इसको पोंछ सकते हैं। हाँ, नीचे वाले जो पार्ट्स है जिसके ऊपर हमने शैम्पू मारे थे उसको आप कोई भी कॉटन कपड़े से पोंछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऊपर वाले पार्ट्स को आप माइक्रोफाइबर क्लोथ से पोंछना, ठीक है, और थोड़ी सूख जाने के बाद, क्योंकि अगर अभी पोंछोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे वाटर्स है इस पर, तो आपका जो माइक्रोफाइबर क्लोथ है वो पूरा भीग जाएगा, तो थोड़ा सूखने दो, उसके बाद पोंछना। और दूसरी चीज़ गाइस, अगर आपके पास ये है वेवेक्स की पॉलिश है, मैट पॉलिश, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप बाइक को पूरा अच्छी तरीके से सूखने दो, पूरी बाइक आपकी सूख जाएगी। उसके बाद क्या करना, माइक्रोफाइबर क्लोथ से पॉलिश मार लेना बाइक में। तो पॉलिश मारने से क्या होता है गाइस कि आपके बाइक के अंदर 1% भी वाटर मार्क्स नहीं रहेंगे, सारे निकल जाएंगे और आपकी बाइक नई जैसी हो जाएगी। तो गाइस मेरे पास तो अभी पॉलिश है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी बाइक को अभी अच्छी तरीके से सूखने दूंगा, ठीक है। सूख जाएगी बाइक, उसके बाद इसके ऊपर पॉलिश मार लेंगे तो जो वाटर मार्क्स है वो चले जाएंगे और बाइक पहले जैसी नई जैसी हो जाएगी। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक अभी थोड़ी बहुत सूख गई है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगा ये पॉलिश, ठीक है। और कोशिश करना कि आपकी बाइक जब अच्छे से सूख जाए तभी ये पॉलिश अप्लाई करना, ठीक है। तो ये पॉलिश से क्या होगा कि बाइक के अंदर 1% भी वाटर मार्क्स नहीं रहेंगे। तो गाइस देखो ये मेरे पास जो है ये माइक्रोफाइबर क्लोथ है, ठीक है, इसी से आपको साफ़ करना है और इस तरीके से आप मार दोगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी बाइक पे मारना है ताकि कहीं पे भी वाटर मार्क्स ना रहे। बस कुछ नहीं करना है, बस एक बार मार देना है। देखो अगर आपकी बाइक पूरी तरीके से सूखी रहेगी तो ये तुरंत ही जो है अपना काम करके ये उड़ जाएगा, और अगर गीला रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आपको हर जगह पे मार लेना है गाइस। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने तुरंत ही यहाँ पे पॉलिश मारी थी, 1 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और ये पॉलिश जो है अपना काम करके उड़ गया, और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया और 1% का भी यहाँ पे वाटर मार्क्स नहीं है। हाँ तो भाई देखो बाइक की जो क्लीनिंग प्रोसेस है अभी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, बाइक सूख भी गई, मैंने पॉलिश मार दिया, आप देखो बाइक कैसी चमचमा रही है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था एक प्रोडक्ट के बारे में जिससे आपके रस्टिंग इशू नहीं आएगी, वो गाइस आप WD-40 यूज़ कर सकते हैं या फिर निकावी का एक स्प्रे आता है वो यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा गाइस कि देखो अभी मॉनसून का मौसम है, मॉनसून के मौसम में देखो ये जो जगह है इसमें गड्ढे होते हैं, ये जगह इसमें गड्ढे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मॉनसून के जो पानी रहता है, बारिश के पानी, वो इधर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद क्या होता है गाइस कि जो आपके नट है, नट पे रस्टिंग आने लगती है। तो जो प्रोडक्ट है गाइस क्या करता है कि अगर आपके कहीं पे भी पानी जमा हुआ भी है फिर भी क्या करेगा कि आपके नट्स पे रस्ट नहीं लगने देगा, ठीक है। तो गाइस प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और गाइस मैंने अमेजोन की जो स्टोर पेज बना रखी है उसके अंदर मैं कैटेगरी वाइज बहुत सारे प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चेकआउट करो और बहुत सारे सामान आपको मिलेंगे जो कि आपके नीड के होंगे, तो जाके खरीद सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a